कवरेज है, उसके बाद पियर्सन है, आईबी है, उन सब से मीटिंग्स करके और एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है इक्वरेंस का, जिससे बेपनाह बच्चों को आराम होगा और सहूलत होगी। और अब होगा क्या, होगा ये कि आप जहाँ के भी कहीं हैं पाकिस्तान में, आपने ऑनलाइन जाके अपनी एप्लीकेशन जो है वो भेज ली है, आपको फिजिकली किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन जब आप भेजेंगे तो आपकी पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि किसी बैंक में जाके लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी वजह से अगर आपका ऑनलाइन सिस्टम मौजूद नहीं है तो मैनुअल सिस्टम बरकरार है, यानी कि वो फिर भी आप कर सकते हैं, आप जाके किसी आईबीसीसी के दफ्तर में दरखास्त दें और ये करें। लेकिन जो ऑनलाइन सिस्टम जहाँ जहाँ है उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी और सहूलत पैदा होगी। ऑनलाइन आप गए, आपने वहाँ रजिस्टर किया, अप्लाई किया और एप्लीकेशन के बाद ऑनलाइन ही पेमेंट की और फिर आपके पास एक बहुत बड़ी सहूलत जो है वो ट्रैकिंग की, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आप किस मरहले में, ताकि उसकी वेरिफिकेशन में जो भी कुछ आईबीसी से कर रहा है वो आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता है कि आप इस वक्त मेरी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ है। और उसके बाद ये सारे चीज़ें करने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो आईबीसी आपको पोस्ट कर देंगे और मुस्तकबिल में ये सर्टिफिकेट जो है वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में बच्चों को मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक लिहाज से आप कह रहे हैं कि एक इनकलाबी तब्दीली, और इस इनकलाबी तब्दीली जो है वो सहूलत के लिए, और जो हमारी ख्वाहिश है कि आप जितने भी काम करने के तरीके हैं उनको आसान बनाएं, बेहतर बनाएं, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए सहूलतें पैदा करें, बच्चों के लिए सहूलतें पैदा करें, तो उसकी तरफ ये एक बहुत बड़ा और एक उस पर जो है वो कदम है, जिसके लिए मैं आईबीसीसी को, गुलाम अली मला साहब को, उनकी सारी टीम को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो हमारे साथी इसमें इन्वॉल्व थे उनको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे जो पार्टनर्स हैं जिसमें बोर्ड सारे जो हैं या इंटरनेशनल जो जो बोर्ड्स हैं वो उन सबको हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। इंसिडेंटली ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो इंटरनेशनल और लोकल जो है वो सारा डिजिटली हो जाएगा, इसलिए उसमें देर भी नहीं लगेगी। सो एक बहुत ही बड़ी तब्दीली है और इंशाल्लाह इसका बड़े मुस्बत असरात होंगे और बच्चों को की बहुत सारी सहूलतें होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मज़ीद ऐसे स्टेप्स, मज़ीद चीज़ें करते रहेंगे, चाहे वो इम्तहानात का सिलसिला हो, बोर्ड्स की कारकर्दगी हो, आईबीसीसी की कारकर्दगी हो, इम्तहानी निज़ाम हो, ये सारे